अवधपुरी प्रभु आवत जानी भये सकल शोभा के खानी। दीपोत्सव के षष्ठम संस्करण में आज पूरी अयोध्यापुरी इसी उत्साह के साथ उत्साहित दिखाई दे रही है। जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के इस पावन धाम पर आगमन का समाचार यहां के वासियों ने सुना, प्रदेशवासियों ने सुना है, और यह हम सबका सौभाग्य है कि कभी त्रेता युग में दीपावली का आयोजन अयोध्या वासियों ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के 14 वर्ष के वनवास के उपरांत जित उत्साह और उमंग के साथ आयोजित किया था, और पूरे देश का एक महान पर्व दीपावली के रूप में वह प्रसिद्ध हुआ। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के अयोध्या आगमन पर प्रभु श्री राम के अभी यहां पर अभिषेक के कार्यक्रम के साथ जुड़ने के आयोजन के साथ मैं अयोध्यापुरी की ओर से, उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आज के इस आयोजन में हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज के इस आयोजन में यहां पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के अध्यक्ष मणिराम दास सावनी के श्री महंत पूज्य नृत्यगोपाल दास जी महाराज, पूज्य संतजन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माननीय सरकार और अन्य हमारे विचार परिवार के पदाधिकारीगण, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी आदरणीय राज्यपाल जी के नेतृत्व में मेरे साथ दोनों मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, श्री ब्रजेश पाठक जी, श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, श्री जय वीर सिंह जी, प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री और प्रदेश के प्रभारी माननीय श्री राधा मोहन सिंह जी समेत मैं आप सभी गणमान्य अतिथियों का, पूज्य संतों का आज के इस आयोजन में हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं अयोध्या कुछ लोगों ने अपनी कुत्सित राजनीति के लिए वीरान बना दी थी, लेकिन जिस अयोध्या के बारे में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने स्वयं इस बात को कहा हो कि जन्मभूमि मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिशि वह सरजू पावनी, आखिर वह अयोध्या कैसे वीरान हो सकती थी। आज से 6 वर्ष पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन, उनकी प्रेरणा से अयोध्या का दीपोत्सव का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, पूज्य संतों का सानिध्य प्राप्त हुआ, पूरी अयोध्या वासी उसके साथ जुड़ते हुए दिखाई दिए, और लगातार यह प्रदेश का एक उत्सव, देश का एक उत्सव बनता गया। आज ये अपनी सफलता की एक नई ऊंचाई को छू रहा है। जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के उन आदर्शों को अपने जीवन में उतारने वाले, उन आदर्शों के अनुरूप देश के अंदर राम राज्य की उस परिकल्पना को साकार करने वाले, जिन्होंने पिछले 8-8.5 वर्ष के दौरान देश के अंदर, जो हम राम राज्य की बात जब करते हैं तो संत तुलसीदास जी ने बहुत अच्छी व्याख्या उसकी कही की है कि दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं काहू व्यापा, यानी चाहे वह आदि दैविक हो, आदि दैविक हो, आदि भौतिक हो, आध्यात्मिक हो, किसी भी प्रकार के दुख के लिए जहां कोई जगह नहीं, वह राम राज्य की उस परिकल्पना को जो एक धार्मिक राज्य न होकर के 135 करोड़ लोगों की भावनाओं का प्रतिनिधित्व करने वाला, भारत का एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने की परिकल्पना को साकार करने वाला भारत की वर्तमान व्यवस्था। और भाइयों बहनों, पिछले 8 वर्षों के दौरान इस देश ने और दुनिया ने देखा है
हमने विगत 2.5 वर्ष के दौरान पूरी दुनिया ने कोरोना को देखा है, कोरोना जैसी महामारी का सामना किया है, लेकिन कोरोना जैसी महामारी के बावजूद लोकतांत्रिक मूल्य और आदर्शों का पालन करते हुए भारत की 135 करोड़ लोगों को अपने परिवार की तरह देखभाल करने वाले फ्री में टेस्ट, फ्री में वैक्सीन, फ्री में उपचार और 80 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन देने की व्यवस्था आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लगातार 2.5 वर्ष से पूरे देशवासियों को कर रहे हैं, बिना भेदभाव के कर रहे हैं, बिना भेदभाव के हर गरीब के घर में शौचालय का बन जाना, बिना भेदभाव के हर गरीब के सिर को ढकने के लिए छत देकर के प्रधानमंत्री आवास की योजना को उपलब्ध करा देना, बिना भेदभाव के हर गरीब के घर तक विद्युत की लाइन पहुंचा करके उन्हें प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना में फ्री में विद्युत के कनेक्शन उपलब्ध करवाने का कार्य हो, या फिर हर गरीब को आयुष्मान बनने के लिए फ्री में 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर देने का कार्य हो। आपने देखा होगा कल ही 10 लाख युवाओं को नौकरी देने के लिए प्रधानमंत्री जी ने मिशन रोजगार के तहत 1 वर्ष के अंदर 10 लाख नौजवानों को नौकरी देने के एक नए कार्यक्रम को आगे बढ़ाया, और इससे पहले 10 लाख नौजवानों को अग्निवीर के रूप में देश की सेनाओं में सम्मानजनक स्थान पर भर्ती होने की प्रक्रिया को जोड़ने की कार्रवाई रही हो। ये सभी राम राज्य की इस परिकल्पना को साकार करता है। विकास की प्रक्रियाएं जिस रूप में बढ़ी हैं, हम सब सौभाग्यशाली हैं कि देश के अमृत महोत्सव वर्ष में हम सब ने देश के अंदर देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी, गांव और गली को भी, स्मार्ट सिटी के मिशन को भी और आदर्श गांवों की परिकल्पना को साकार होते हुए हम सब देख रहे हैं। और यही नहीं, गुलामी के अंश से मुक्ति हो लेकिन विरासत का सम्मान हो। विरासत का ही सम्मान है अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण का एक कार्यक्रम। विरासत का ही सम्मान है काशी में भगवान विश्वनाथ का भव्य धाम बन जाना, और जो आज एक नए नया कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। अभी आपने परसों देखा होगा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी स्वयं केदारपुरी गए थे, बद्रीनाथ धाम गए थे, उत्तराखंड के 4 धामों के पुनरुद्धार की कार्रवाई किस रूप में हो रही है, यह गौरव की अनुभूति हर भारतवासी को कराता है। और महाकाल का वह काल लोक भी हर व्यक्ति को अपनी ओर अभिभूत कर देता है। यही तो है विरासत का सम्मान। योग की परंपरा को वैश्विक मंच पर स्थान देना हो, या फिर प्रयागराज कुंभ के माध्यम से दुनिया के सबसे बड़े आयोजन को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का, अयोध्या का यह दीपोत्सव का एक कार्यक्रम उसी विरासत को सम्मान देने की कड़ी का, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से किए गए प्रयास का परिणाम है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर विंध्यवासिनी धाम के पुनरुद्धार की कार्रवाई, वहां के कॉरिडोर के निर्माण का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। रामायण सर्किट का कार्य हो या कृष्णा सर्किट का कार्य, मथुरा वृंदावन के विकास को एक नई नया आयाम देने की कार्रवाई चल रही हो, या फिर बौद्ध परिपथ का कार्य हो, या फिर देश के शक्तिपीठों के पुनरुद्धार का कार्य, ये युद्ध स्तर पर देश के अंदर चल करके एक ओर गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं और समाज के प्रत्येक तबके को शासन की योजनाओं का लाभ देना, और उसी का परिणाम है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब देश के अंदर किसी भी कोने में जाते हैं, पूरब में हो या पश्चिम में, उत्तर में हो या दक्षिण में, पूरा भारत एक साथ एक स्वर के एक स्वर से उनके नेतृत्व में बोलता हुआ दिखाई देता है, डोलता हुआ दिखाई देता है, चलता हुआ दिखाई देता है। और यही नए भारत के, श्रेष्ठ भारत के, एक भारत श्रेष्ठ भारत के शिल्पकार आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन आज अयोध्या धाम में दीपोत्सव के इस कार्यक्रम में हुआ है। यहां पर प्रभु श्री राम के अभिषेक के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जुड़ना पूरे भारतवासियों को अभिभूत कर रहा है। हर व्यक्ति जानता है कि आज अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर 500 वर्षों के इंतजार के बाद भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए जिस संकल्प की आवश्यकता थी, वह संकल्प आज साकार हुआ है।
गाजीपुर की शान द होटल ग्रैंड पैलेस। शादी हो, इंगेजमेंट हो, बर्थडे पार्टी, मैरिज एनिवर्सरी या किट्टी पार्टी, या हो कोई मीटिंग, आपके पार्टी में भर दे जान। अत्याधुनिक सुख सुविधाओं के साथ 3 बैंक्वेट हॉल, लजीज व्यंजन से संपन्न शानदार रेस्टोरेंट, आपके पार्टी में 4 चांद लगाने के लिए बड़ा सा लॉन और पार्किंग की सुविधा। जरूर पधारिए द होटल ग्रैंड पैलेस, चुंगी हीरो एजेंसी के सामने, लंका गाजी का।